मेरा डॉक्टर अनिल जैन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे अनिल जी ने बताया कि रोज बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो रही हैं, क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की प्रगति हो रही है और उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देने वाले लोगों का तांता लगा है। इसके बावजूद आज एक युवा आइकॉन बबीता फोगाट और इस युवा को रचने, बनाने, सजाने और संवारने की जिनकी जिम्मेदारी, ऐसे श्री महावीर जी फोगाट जो उन दोनों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शख्सियत की जानकारी पिक्चर से तो मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से मेडल पर मेडल मिलते गए और देश में तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद छह छह बेटियों को आगे बढ़ाना, सजाना, संवारना और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना, ये बहुत बहुत बड़ा काम महावीर जी ने किया है। इसलिए महावीर जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और अर्जुन अवार्डी बबीता जी हमारे साथ में है। हरियाणा के लिए, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्रीय पार्टी की ओर से मैं आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से आप देश की उत्तरोत्तर सेवा करती रहेंगी, हरियाणा को भी नाम रोशन करेंगी और राजनीति में ही नहीं, राजनीति के साथ साथ खेल की दुनिया में और समाज जीवन में एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत होगा आप दोनों के आने से। भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वास्तविकता में चरितार्थ करने वाले महावीर फोगाट जी से मेरा आग्रह है कि अभी मीडिया को संबोधित करें। आदर और सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण, पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे मीडिया वाले सबको मेरी तरफ से राम राम। हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे मोदी साहब हैं मुख्य प्रधानमंत्री, उन्होंने जो पुलवामा गांव में घटना हुई थी उसके बाद में तुरंत बदला लिया और जो अब जो 370 धारा 35A हटाना, ये मेरे को नहीं सारी दुनिया को प्रभावित किया। जो आज तक ये इतिहास रच दिया, सारी दुनिया में जो काम किया है कोई कर नहीं सकता था। हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी ये 370 और 35A को हटाने वाले नहीं थी। नहीं, मैं इससे प्रभावित तो होया। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, बड़े स्वभाव, बढ़िया स्वभाव के हैं, बढ़िया काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। अध्यक्ष जी हैं हमारे बीजेपी के, इनका बड़ा सरल स्वभाव है, बड़ा मेहनती हैं, तो इनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने जो जे पार्टी को छोड़ करके मैंने अपना जो है सबसे बढ़िया बड़ा परिवार जेजीपी को ज्वाइन किया। मैंने बड़ी इस चीज़ की बड़ी खुशी है, मैं एक बड़ा परिवार में आ गया और जो पार्टी जो मेरे जो जिम्मेवार लगाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को, मैं दिन रात करूँगा पार्टी के लिए और तन मन धन से। धन्यवाद। बहुत ही आदर सम्मान के योग यहाँ पर विराजमान हमारे खेल मंत्री जी किरण रिजिजू, अनिल जैन जी और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो सम्मान प्यार मुझे के साथ मुझे इस परिवार से जोड़ा है। और मैं बहुत कहूँगी कि मैं नरेंद्र मोदी सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आज से नहीं, मैं बहुत सालों पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो बने थे तब से मैं उनकी फैन हूँ और उनके कार्यों से मैं प्रभावित थी। और क्योंकि गेम में मैं थी इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं मुझे इस परिवार से, बीजेपी परिवार से जुड़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और खासकर जो 370A जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाई है, उससे तो मतलब एक फैन भी नहीं मैं कह सकती कि मैं कुछ
अलग ही मन में एक अलग ही मुझे खुशी हो रही थी। मुझे लगता है पूरे भारत देश को इसके ऊपर खुशी होगी और हर कोई मुझे लगता है बीजेपी परिवार से जुड़ना चाहेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर जो इन्होंने एक पन्ना जो पलट के रख दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे बीजेपी परिवार को और आप सब लोगों का भी कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।